नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि रिचर्ड वर्मा का कहना है कि भारतीय सीमा, दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में चीनी कार्रवाई उकसाने स्थिर करने वाली। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको, अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक ने भारत के साथ लगने वाली सीमा के पास और दक्षिण चीन सागर, ताइवान जल डमरू मध्य और हांगकांग में चीन की हालिया कार्यवाही को उकसाने और अस्थिर करने वाली बताया है। 5 मई के बाद से 8 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक पूर्वी लद्दाख के विभिन्न स्थानों पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प होने के बाद दोनों देश के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया था। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी पक्ष की तरफ 20 सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। दोनों पक्ष ने तनाव करने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में कई चरण की कूटनीतिक एवं सैन्य वार्ताएं की है। पूर्वी लद्दाख में तनाव करीब 2 महीने पहले बढ़ गया था, जब करीब 250 चीनी एवं भारतीय सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को हिंसक आमना सामना हुआ था। ऐसे में अगर आप भी अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक के साथ हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चीन बना अहम मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक शीर्ष चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही यह दर्शाना चाहते हैं कि वे चीन संबंधित मामलों में बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ट्रंप के चुनावी अभियान प्रबंधकों ने इस तरह के विज्ञापन निकाले हैं जिनमें बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आवभगत में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के चुनावी अभियान की ओर से ट्रंप को कोरोना वायरस को हल्के में लेते हुए महामारी के बारे में पारदर्शी रहने को लेकर जिनपिंग की सराहना करते हुए दिखाया गया है। जबकि ये स्पष्ट है कि चीन ने महामारी के बारे में दुनिया के सामने विवरण देर से साझा किया है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनते हुए दिखने वाले हैं, या फिर जो बाइडेन बनेंगे दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति? आप अनुमान सहित कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों की बात सच होती है। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान फिर बेनकाब। हाफिज सईद और उसके चार साथियों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा यानी JUD प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके चार शीर्ष सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दी गई है। मीडिया में आई खबर में रविवार को यह जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को टेरर फंडिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वो लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल में बंद है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपका क्या मानना है इस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर जो आतंकवादियों के बैंक अकाउंट पर से भी रोक को हटा रहा है और उनको पूरी खुली छूट दी जा रही है दोस्तों अकाउंट यूज करने के लिए? आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो रूस में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल परीक्षण कर लिया है। इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है ये वैक्सीन। जी हां दोस्तों, बता दे आपको, रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी में रविवार यानी 13 जुलाई को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलता पूर्वक परीक्षण पूरा हुआ। ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वुतिम तारासोव संस्थान के निदेशक ने बताया कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है उनमें से पहले समूह को बुधवार 15 जुलाई को तथा दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने स्वयं सेवियों पर विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलता पूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के द गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन के चिकित्सीय परीक्षण की शुरुआत 18 जून से शुरू हुई थी। ऐसे में देखना यह होगा कि ये कितना सत्य है
है और जैसे इसकी सत्यता की जांच होती है दोस्तों हम आपको तुरंत बताएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाल बटन दबाकर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे रिलायंस ने फिर रचा इतिहास, बनी 12 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली पहली भारतीय कंपनी। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। कंपनी के शेयरों में तेजी के चलते उसने इस मुकाम को हासिल किया है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बनी कंपनी एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1947.70 रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा और रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को बधाई जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखे। एक और खबर की माने तो सुंदर पिचाई ने की प्रधानमंत्री से बात, डिजिटल इंडिया पर इतने करोड़ रुपए निवेश करेगा गूगल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई से डिजिटल इंडिया पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद गूगल ने घोषणा की है कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, आज सुबह मेरा सुंदर पिचाई से बहुत ही लाभदायक संवाद हुआ। हमारे बीच कई विषयों पर बातचीत हुई, विशेषकर भारतीय किसानों, युवाओं और उद्यमियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तकनीक की शक्ति का फायदा उठाने के संबंध में। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कोरोना के मद्देनजर विकसित हो रही नई कार्य संस्कृति के अलावा खेल जैसे क्षेत्रों में भी इस महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बारे में भी पिचाई से चर्चा हुई है। जी हां दोस्तों 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा CEO गूगल के सुंदर पिचाई। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और सुंदर पिचाई भारतीय होने पर अगर आपको भी गर्व है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो राजस्थान में जो हो रहा है और मध्य प्रदेश में जो हुआ उसके खुद जिम्मेदार है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, उमा भारती का ऐसा कहना है। बता दे राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ घट रहा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ घटा है इसके लिए पूरी तरह राहुल गांधी जिम्मेदार है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस पार्टी के भीतर युवा नेताओं को बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को डर है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे पढ़े लिखे और काबिल नेता उच्च पदों पर आ जाएंगे तो उन्हें पीछे कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों, और अगर आप भी उमा भारती के बातों से पूरी तरह 100% सहमत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो टला नहीं है, एक और खबर की माने तो टला है, खत्म नहीं हुआ अशोक गहलोत का संकट, कभी भी पलट सकती है राजस्थान की बाजी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का संकट टलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड करा दी है। गहलोत खेमे ने 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचाने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ डिप्टी CM सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल गहलोत सरकार का संकट टल जरूर गया है लेकिन शायद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों राजस्थान के इस लड़ाई को लेकर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो CM गहलोत के करीबियों पर दिल्ली से राजस्थान तक आयकर विभाग के बाद ED की छापेमारी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। एक और खबर की ओर चले तो रे की संदिग्ध जघन्य हत्या पश्चिम बंगाल में गुंडा राज को उजागर करती है, JP नड्डा का कहना है। जी हां दोस्तों, बता दे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में पार्टी के विधायक दीपेंद्र नाथ रे की मौत को जघन्य हत्या का संदिग्ध मामला करार देते हुए सोमवार को इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में व्याप्त गुंडा राज और कानून एवं व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। वरिष्ठ भाजपा नेता रे का शव पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में स्थित उनके घर के पास सोमवार को सुबह लटका मिला है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ममता सरकार ने ये कत्ल करवाया, आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इस बार CBSE ने जो 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है इसमें टॉपर्स की लिस्ट को जारी नहीं किया है, इसका क्या कारण है आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल
सीबीएसई इस साल 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा। बोर्ड ना तो राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर की घोषणा करेगा और ना ही राज्य या जिला स्तर पर, या जिला स्तर पर ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। बता दे कि इससे पहले सीआईएसई बोर्ड ने भी छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी। सीबीएसई ने भी 10वीं और ना ही 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसके पीछे बोर्ड का तर्क है कि जब कोरोना के चलते छात्रों की सभी परीक्षाएं हुई ही नहीं है तो मेरिट लिस्ट कैसे जारी की जा सकती है। छात्रों का रिजल्ट उनके कुछ पेपर के आधार पर जारी किया गया है जो उन्होंने दिया था। ऐसे में मानना ये भी है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है तो कोई छात्र कोर्ट में जाकर भी मेरिट लिस्ट पर सवाल उठा सकता है। दिल्ली हिंसा के चलते भी नहीं हुई कुछ परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आपका भी मानना है कि सीबीएसई बिल्कुल सही कर रही है और टॉपर का लिस्ट ना जारी करके अच्छा कर रही है जिससे कि कोई किसी के मन में खोट ना रह जाए कि मैं टॉपर नहीं आया, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट से मिला झटका, नहीं मिलेगी इस बार जमानत। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अदालत के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, ताहिर हुसैन को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए उसके किए हुए की, जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होंगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर पूरे भारत में शेयर कर दीजिए दोस्तों, दिखा दीजिए कि भारत की कितनी ताकत है। और साथ ही अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में